चयन होता क्या है? जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरत के लिए कुछ प्रजातियों को तैयार करते हैं अपने आवश्यकताओं के लिए, मनुष्यों द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? चयन कहते हैं। मनुष्य अपने आवश्यकता के लिए या अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जिन जीवों ये लक्षण अपने पसंदीदा या आवश्यकता अनुसार जीवों का लक्षण का चुनाव करके उसका चयन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम चयन बोलेंगे। दूसरी होती है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या होती है? प्रकृति में जो जीव अपने आप को बचा के रख लेता है वो प्राकृतिक चयन कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में मूली देखो, खेत में मूली का बहुत सारे पौधा है, ठीक है। बाढ़ आने से, यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में देखिए, बाढ़ से कुछ पौधे क्या हो गए? बह गए। अब यहाँ से कुछ पौधे बह गए लेकिन शेष जो पौधा बच गया, यहाँ पर मूली के खेत में बचे पौधे है ना, तो बाढ़ से जो पौधे बह गया वो क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। लेकिन जो अपने आप को बचा के रख लिया वह क्या होगा? आगे जीवित रहेगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को जो जीव बचा के रख लेता है उसको प्राकृतिक चयन कहेंगे। और जो मनुष्यों द्वारा अपने पसंद से जो वस्तुओं का या जो पौधों का या जो जीवों का निर्माण करते हैं उसको कृत्रिम चयन कहा जाता है। जैसे हाइब्रिड सरसों है, नमल गोल है, मूली है, ब्रोकली है और पत्ता गोभी फूल, ये सभी क्या है? हाइब्रिड चीजें हैं जिसको मनुष्य अपने उपयोग या अपने आवश्यकताओं के लिए इसका निर्माण करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम चयन। और ये प्राकृतिक चयन। फिर है विकास। डार्विन ने अपनी पूरी जो सफर था उसके दौरान जो अवलोकन किए तो उन्होंने लास्ट में कुछ विकास के सिद्धांत दिए। जैसे जीवों में विविधता पाई जाती, विविधता जानते हैं ना, विविधता क्या होती है? जीवों की जो शारीरिक संरचना है, आकृति है, आकार है, उसमें भिन्नता पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विविधता पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु है जिसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाई जाती है। जैसे कोई जीव बहुत अधिक संतान देती है, कोई जीव बहुत कम संतान देती है, किसी में जीने की क्षमता बहुत अधिक होती है और किसी में जीने की क्षमता बहुत कम होती है। तो जीने की क्षमता ज्यादा होना वही परस्पर में क्या होता है, मतलब प्रकृति में अपने आप को ढाल कर रख सकता है और अपनी नई प्रजातियों को जन्म दे पाती है। फिर उन्होंने बताया कि विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। पहले से जो प्रजाति मौजूद रही है उसी प्रजातियों से और आगे नए प्रजातियों का निर्माण होते जाता है। विविध जीव की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। यहाँ पे दिखाया गया ना ब्रांच, ये फर्स्ट क्या है? एक ही पूर्वज है। अब इससे पूरे नए जीवों का उत्पत्ति हुआ है जिसको एक पौधे के शाखा के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर उन्होंने कहा किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते जाती है। उन्होंने क्या कहा है, किसी एक जगह में बहुत सारे जीवों की संख्या पाई जाती है लेकिन उन सभी जीवों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। और वही विभिन्नता क्या होती है? एक पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाती है और उससे एक नए पीढ़ी का निर्माण होते जाता है। फिर आगे उन्होंने बताया अनुकूलन और प्रजातिकरण। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन क्या है? जो वह जीव जो अपने आप को एक नए वातावरण में या आवास में ढाल कर रख लेता है वही क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। जैसे अभी आपने देखा ना, बाढ़ आने से जो पौधे अपने आप को उस बाढ़ से जीवित रख पाया वही वही पौधे क्या हुआ? जीवित रहा। तो जो अब प्राकृतिक आपदाओं से या प्राकृतिक प्रतिकूल होने से अपने आप को वहां पर जीवित रख पाता है या अपने आप को वहां पे बचा के रख पाता है वही क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। फिर सेकंड है प्रजातिकरण। तो प्रजातिकरण क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा है ना कि फीच में क्या होता है, अलग अलग टापू में रहने वाले फीच में क्या हो जाती है, उसकी शारीरिक जो संरचना होती है, उसकी चोंच की जो बनावट होती है वो अलग अलग हो जाती है। अब विविध प्रकार की
भी चिड़िया तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों में होने के कारण उसकी जो चोंच में परिवर्तन आई है, जिसके कारण से उसकी प्रजाति क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब एक टापू में रहने वाली फीस दूसरे टापू में रहने वाले फीस से क्या संकरण कर सकता है, प्रजनन कर पाएगा? नहीं ना। तो इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, फीस के साथ जो लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए, इस प्रकार के जीवों में विविधता और अलग अलग प्रजातियों के बनने को क्या कहा, प्रजातिकरण कहा। एक बार और बता देती हूँ हम लोगों को, जैसे फीस जो चिड़िया है वो अलग अलग टापू में अलग अलग वातावरण के अनुसार ढलते गए। एक चिड़िया की चोंच नुकीली हो गई, तो दूसरी की टेढ़ी हो गई, तो तीसरी की चौड़ी हो गई। अब अलग अलग टापू में रहने वाली चिड़ियाएं एक दूसरे के साथ लैंगिक प्रजनन करने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। वो जिस टापू में थे उसी टापू के चिड़ियों के साथ आगे अपनी संतान की उत्पत्ति कर पाए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो प्रजाति बढ़ते गई उसी को क्या कहा गया, प्रजातिकरण। अलग अलग टापू में रहने वाली चिड़ियों से नए नए प्रजातियों का निर्माण होते गया, जिसको क्या कहा गया, प्रजाति करण कहा गया। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। ये चैप्टर आप लोगों की कंप्लीट होती है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, जिससे करके आप लोग सेंड करेंगे।